Subscribe and press the bell icon for latest update. मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ। मैं काशिफ अली एसपीएन न्यूज में आपका स्वागत है। तीन तलाक खत्म हो चुका है, लोकसभा में बिल पास हो चुका है और अब राज्यसभा में बिल जाएगा और उसकी मंजूरी के बाद कानून पास हो जाएगा। ये जो अभी आपने देखा, ये गुलफशा है, रामपुर से इनका ताल्लुक है, इसके आंसू, इसकी तकलीफ और इसका दर्द शायद आपके जहन में काफी वक्त तक घूमता रहे। बहुत से सवाल हैं, बहुत सी बातें हैं जो शायद आपके जहन में आ रही हैं। ये गुलफशा जिसको अभी आपने देखा, जो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। कौन है ये गुलफशा? जब लोकसभा में रविशंकर प्रसाद, जो हमारे देश के कानून मंत्री हैं, जब बिल पढ़ रहे थे तो वो गुलफशा नामक एक महिला का नाम ले रहे। तमाम लोगों के जहन में एक सवाल आया कि आखिर कौन है ये गुलफशा, आखिर क्यों नाम लिया गया है, आखिर लोकसभा में क्यों गूंज रहा था ये नाम। आप लोगों के जहन में भी जानने की ललक हो रही होगी कि आखिर ये गुलफशा कौन है। गुलफशा को लेकर जिस तरीके का लोकसभा में नाम लिया गया, उसके बाद से तमाम तरीके के सवाल उठ रहे थे कि आखिर जो उसको तलाक दिया गया है, कहा यह गया है कि ज़्यादा देर तक सोने की वजह से उसको तलाक दे दी गई, इसमें कितनी हकीकत है और कितना हकीकत से दूर है, इसकी तो हम तस्दीक नहीं करते हैं, लेकिन उसके आंसू बता रहे हैं कि तकलीफ है। बहरहाल केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक बार में तीन तलाक बिल पेश किया और दिन भर चली बहस के बाद आखिरकार ये लोकसभा में पास हो गया। बिल के खिलाफ विपक्षी सांसद कई संशोधन को लेकर, यानी अमेंडमेंट को लेकर संख्या बल चाह रहे थे कि उसमें अमेंडमेंट हो जाए, जिसमें खासकर असदुद्दीन ओवैसी मौजूद थे, बीजेडी के सांसद थे और आरजेडी के कुछ सांसद चाहते थे कि उसमें कुछ संशोधन हो जाए। कांग्रेस शुरू से साथ थी, लेकिन कांग्रेस भी कुछ सजा के प्रावधान को कम करना चाहती है। 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दे दिया था। बिल पेश करने के दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा, यह मामला महिलाओं की गरिमा से जुड़ा हुआ, यानी महिलाओं की इज्जत और वकार से ये मामला जुड़ा हुआ। अब हालांकि उन्होंने कहा, जिस तरीके से रविशंकर प्रसाद जब बिल को पढ़ रहे थे तो उन्होंने एक महिला का नाम लिया, गुलफशा का, उन्होंने कहा कि सुबह मैंने पढ़ा कि रामपुर की एक महिला को तीन तलाक इसलिए दे दिया गया क्योंकि सुबह देर से उठी थी। और जब हमने इस बात की पूरी जानने की कोशिश की कि क्या कौन है वो महिला, कि एक देश के कानून मंत्री लोकसभा में महिला का नाम ले रहे हैं, आखिर कुछ तो वजह होगी। उत्तर प्रदेश की रहने वाली गुलफशा का नाम संसद में भी गूंजा और रामपुर जिले की तहसील सदर के नगलिया आकिल गांव की रहने वाली है गुलफशा। गुलफशा और कासिम का घर एक दूसरे से चंद कदमों की दूरी पर है और दोनों एक दूसरे के सालों से जानते थे, आना जाना था परिवार के बीच, एक दूसरे को जानते थे, जाने अनजाने प्यार में बदली और 7 महीने के अंदर दोनों ने शादी कर ली। वो प्यार में, मोहब्बत में तब्दील हो गई वो मुलाकात और फिर उसके बाद वो शादी में तब्दील हो गई। फिर उसके बाद जब गुलफशा का जो पति है वो कासिम, जो एक ड्राइवर बताया जा रहा है, गुलफशा ने बताया है कि रात को उनके पति जो कासिम है बहुत मारपीट की, मारपीट के चलते उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और अगली सुबह इसी वजह से वो थोड़ी देर से उठी थी।
सुबह जब वो 8 बजे सोकर उठी तो दरवाजे के बाहर कदम रखा और उसके बाद उन्होंने 3 बार तलाक 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 कह दिया। यानी इस तरह से जिंदगी खत्म हो गई, ये गुलफशां का कहना है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कोई आखिर इंसान किसी भी महिला को देर तक सोने की वजह से तलाक दे सकता है? ये सबके जहन में सवाल आ रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये घटना घटी है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के रामपुर में, रामपुर जो आजम खान का भी एरिया कहा जाता है, क्षेत्र है आजम खान का, तो वो वहाँ के इलाके की घटना है कि देर तक सोने की महिला को तलाक दे दिया गया। हालांकि महिला का तर्क यही है कि उसको देर तक सोने की वजह से तलाक दिया गया। हालांकि पति का तर्क सामने नहीं आया है कि उसकी हकीकत क्या है, अब ये सच है या झूठ है या आखिर इसके पीछे की वजह कुछ और है। लेकिन जिस तरीके से गुलफशां ने टीवी की सुर्खियां बनी, लोकसभा में उसके नाम को गूंजा गया, तो लोगों के दिल में ये बार बार सवाल आ रहा था कि गुलफशां कौन है। कासिम की हरकतों से वो लगातार कह रही थी कि वो अपने पति की हरकतों से परेशान थी, जिससे 7 महीने पहले ही उसने निकाह किया था और उसकी शादी में सिर्फ 30 और 35 लोग ही आए थे। सुबह की 3 तलाक की घटना पर गुलफशां रोती हुई कहती हैं कि मेरे ससुराल में 3 लोग हैं और किसी ने कुछ नहीं कहा। यानी उनके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उन्होंने कुछ भी इस बात को नहीं कहा। अब देखना यह है कि वहाँ पर पंचायत में ले जाया गया मामले को, पति पत्नी के बीच सुलह करवा दी गई। लेकिन कहती हैं कि सुलह हो गई है, लेकिन शरीयत को मानते हुए हलाला के बाद मैं अपने पति के पास चली जाऊँगी, कह जा रहा है गुलफशां के जरिए। पंचायत में मौजूद एक शख्स ने भी कहा है कि पंचायत में दोनों पक्षों को समझाया गया, जिसके बाद दोनों परिवार सुलह के लिए राजी हो गए। लेकिन जिस तरीके से ये जो हमने पूरी तस्वीर को देखा कि कैसे तरीके से एक ऐसा मामला सामने आया, उसकी तहकीकात करनी ज़रूरी थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक महिला के ज़िंदगी का मामला था, उसकी इज्जत और वक़ार का मामला था कि अगर कोई महिला अगर देर तक सो जाती है तो क्या उसको तलाक हो जाएगी। ये बहुत, हम कह सकते हैं कि एक अपने आप में दुनिया के इतिहास में पहला ऐसा मामला होगा कि इस तरीके से भी कोई पति अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। लेकिन जिस तरीके से इंस्टेंट 3 तलाक पर अब सरकार ने बिल ले आई है, कानून बना दिया है, तो अब इस तरीके के मामलों पर लगाम लगेगी। लेकिन कुछ लोग अब इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि अब महिलाएं जो हैं कहीं ना कहीं वो इस कानून के आड़ लेकर कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा सकती हैं। अब इसके पीछे क्या सच्चाई है? जिस तरीके से सिर्फ एक पक्ष को सुना गया, सिर्फ गुलफशां को सुना गया कि गुलफशां के साथ ये हुआ, लेकिन कभी उसके कासिम जो उसका पति है उसकी तर्क नहीं समझा गया कि आखिर उसका पति की क्या हकीकत थी, क्या वाकई में उसका पति तलाक देना चाहता था या कहानी कुछ और। एक पारिवारिक मामला था, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा में गुलफशां के नाम की गूंज हुई, उसने ये पारिवारिक मामले से ज़्यादा कहीं देश का मामला बना दिया। तो ये गुलफशां की कहानी थी। और जिस तरीके से जब रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री जब लोकसभा में बिल को पेश कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि क्या सदन को खामोश रहना चाहिए, शरिया पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। उन्होंने शरीयत को कहा कि शरीयत में दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं, शरीयत मतलब इस्लामी कानून में दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं, वो केवल 3 तलाक या तलाक बिद्दत पर है। लोकसभा देश की सबसे बड़े पंचायत से अपील है कि इस बिल को सियासत की सलाखों से ना देखा जाए, ये कहना था। उनकी दूसरी एक और अपील थी कि इन दलों की दीवार से ना बांधा जाए, और तीसरी अपील थी कि इस बिल को मजहब के तराजू पर ना तोला जाए। चौथी अपील जो रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में कही, उन्होंने करी कि इस बिल को वोट बैंक के खाते से ना परखा जाए, ये बिल है हमारी बहनों बेटियों की इज्जत आबरू का। जी, ये पूरी कहानी, ये पूरी घटना जो हुई है वो लोकसभा में गुलफशां के नाम की जो कहानी बयान करी रविशंकर प्रसाद ने, उसके बाद ये तस्वीर निकल कर आई कि अब क्या वाकई में कानून बन जाने के बाद अब उन महिलाओं को आज़ादी मिल गई है, क्या उन महिलाओं को वाकई में अब जो डर रही थी, दब रही थी, क्या वो वाकई में अब आज़ाद हो चुकी हैं, क्या इस कानून के ज़रिए उनके ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव होगा। ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जो अब
इस कानून के पास होने के बाद तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकार क्या अब सच्चर कमेटी की सिफारिशों में, जो मुस्लिम महिलाओं की काफ़ी दुर्दशा थी, क्या अब सरकार उन पर भी काम करेगी? अगर महिलाओं की इतनी ही परवाह है तो अब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो महिलाएं हैं उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो अब मुस्लिम महिलाओं का बढ़ना चाहिए, अगर सरकार इस बात की पक्षधर है कि मुस्लिम महिलाओं की स्थिति बदतर है। तो बहरहाल ये गुलफ्शा की जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई कि गुलफ्शा कौन थी, क्या थी और किस तरीके से लोकसभा में उसकी आवाज़ गूंजी, तो अब इस तरीके की कितनी गुलफ्शा हैं और कितनी हैं ये आने वाला वक्त बताएगा, और आने वाला वक्त ये भी बता देगा कि इस कानून के बनने से किसको फ़ायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ। आज के प्रोग्राम में इतना ही, मैं फिर हाजिर हूँगा, तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए SBI न्यूज़। नमस्कार।